रेहला थाना क्षेत्र के भोलाटाण रक्साहा गांव के लापता नाबालिग का शव सोमवार को नदी के बीचों बीच दो पत्थरों के बीच दबा हुआ मिला। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोलाटाण निवासी जिब्राइल अंसारी का 15 वर्षीय बेटा शाहिद अंसारी 4 मई की रात को गांव के ही एक बारात में शामिल होने गया, इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। सभी संभावित जगह खोजबीन के बाद परिजनों ने रेहला थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस नाबालिग शाहिद के तलाश में हर संभावित जगह छापेमारी भी कर रही थी। रेहला पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में भी लगी थी। इसी बीच सोमवार की शाम 4 बजे गांव किनारे कुटीसोट नदी के बीचों बीच ग्रामीणों ने एक शव को देखा। शव दो विशाल पत्थरों के बीच दबा हुआ था, जिसकी सूचना रेहला पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पत्थरों के बीच से निकाला। शव की पहचान पिछले 4 दिनों से गायब शाहिद अंसारी के रूप में की गई। शव मिलने की खबर मिलते ही आसपास के लोग काफी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। बेटे का शव देखते ही परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का आरोप है कि उनके पड़ोसी विकास चौधरी उर्फ बादशाह ने मामूली बात पर शाहिद अंसारी को कुछ दिनों पहले जान से मारने की धमकी दी थी। शाहिद के घरवाले पिछले 5 मई से ही पड़ोसी विकास चौधरी उर्फ बादशाह पर अपहरण पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। परिजनों के आरोप को बल तब मिला जब आरोपी बादशाह 6 मई को सपरिवार घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बादशाह मूलतः शाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और पिछले 2 सालों से वह भोलाटाण में घर बनाकर रह रहा था। ग्रामीणों की माने तो वह आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति का था।